अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होगे। तो वेलकम करती हूँ जो न्यू है आपको अपने चैनल पर। तो कल मनाहिल की बर्थडे थी, तो हम लोगों ने कल घर पर सेलिब्रेशन किया था। वैसे तो नहीं बना रहे थे, लेकिन कल मनाहिल रोने लग गई और अपने अब्बू को जिद करने लगी। भाई ने फिर केक लेकर आ गए उसके लिए और छोटा सा जो है हमने जो है सेलिब्रेशन प्रोग्राम कर लिया। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ ब्लॉग मनाहिल का। मनाहिल बहुत रोई थी, उसके अब्बू जाकर ले आए। उन्होंने बोला नहीं भाई, मेरी बेटी रो रही है, मैं लेकर आऊँगा। तो भाई लेकर आ गए। फिर इस तरीके से हम लोगों ने डेकोरेट किया और मनाहिल भी हैप्पी हो गई थी ना, रो रही थी कि आप लोग मेरी बर्थडे नहीं कर रहे। तो इसलिए घर वालों ने फिर बोला कि चलो जी सेलिब्रेशन करते हैं इसकी। और मनाहिल कल बड़ी हैप्पी थी बहुत ज़्यादा, और इसका बस नहीं चल रहा था। ये बोले थे केक काट दो, हम लोग बोले थे थोड़ा लाइट को आने दो, लाइट आ जाएगी फिर जो है ना रोशनी थोड़ी तेज़ होगी, फिर तुम कटिंग करना ना। वो बस शक्ल बना के खड़ी हुई थी मनाहिल की, नहीं 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 बस मुझे अभी काटने दो। इसकी मम्मा ने इसको बुलाया, मम्मा कह रही हाँ तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें पेस्ट्री वगैरह दे देती हूँ, तुम खा लो ना, लेकिन तुम ऐसे उदास ना हो। अब छुरी लेकर जा रही थी तो सबर ही नहीं हो रहा था कि बस मैं काट लूँ, बस मुझे हुक्म दे घर वाले। और मनाहिल कल बड़ा हैप्पी थी। तो आप लोग वाला व्लॉग हमारा पूरा देखना, मजा आएगा आपको, देखो उसकी खुशी देखें आप लोग। और उसके बाद देखो उसकी मम्मा ने इसको पेस्ट्री दे दी, उसकी मम्मा ने बोला मनाहिल तुम खा लो भाई, तुमसे रहा नहीं जा रहा। फिर उसकी मम्मा ने उसको पेस्ट्री दी तो वो पेस्ट्री खा रही थी बेटी में ना। इसकी मम्मा ने बोला अभी लाइट आएगी जब तक जो है ना, फिर आप ये खा लो पेस्ट्री ना। आपको पता है बच्चों को तो नहीं होता कंट्रोल, और मनाहिल को ना केक बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शौकीन है। मेरी जो भतीजी है ना, ये मतलब स्वीट्स के सारे शौकीन है, इसको मीठी चीजें बहुत अच्छी लगती है। और भाई ब्रोस लेकर आया था, कोल्ड ड्रिंक थी, हमने बैलून वगैरह लगाए थे, और इसके अलावा इसको गिफ्टिंग मिली, पैसे वगैरह मिले थोड़े बहुत घर वालों से ही, क्योंकि हमने बाहर वालों को तो बुलाया नहीं था, जैसे हम लोग घर वाले थे। तो ये देखो खा रही है। फिर इसके बाद लाइट आई तो फिर हम लोगों ने केक कटिंग किया, और ये मनाहिल की मम्मा है, मनाहिल की मम्मा थी, और फिर इनके बाबा आए, इन लोगों ने मिलकर केक काटा। और भाई जल्दी जल्दी मैं आपको सीन बताऊँ, हम लोग ने कैंडल चलाने ही भूल, हम लोगों ने कैंडल ही नहीं चलाई। फिर बाप ने मनाहिल में बोलते सबको कि नहीं वो मेरी बर्थडे थी आज तो कैंडल ही नहीं जलाए। ये मनाहिल के पापा है और ये मनाहिल की मम्मा है, तो ये लोग केक कटिंग कर रहे थे और मैं भी बस साथ में खड़ी हुई थी, और बाजी जो है ना वीडियो बना रही थी। तो बड़ा हमने एंजॉय किया, मनाहिल तो खुश थी खेल पड़ी ना। और घर पर ही तो छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया था हम लोगों का। ये देखो उसके पापा बोल रहे हैं मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगा सबसे पहले। ये दूसरे वाला केक भी कटिंग किया, भाई दोनों केक इसने कटिंग किया। बड़ा मजा आया हम लोगों को ना घर पर ही। आपको पता है बच्चों की छोटी छोटी सी हैप्पीनेस होती है, बच्चों को अच्छा लगता है इसे अपना मतलब फंक्शन अटेंड करना। तो सबने बोला नहीं भाई बच्ची, बच्चे का दिल नहीं तोड़ो आप, करो भले घर पर ही छोटा सा कर लो, लेकिन बच्ची का दिल रख लो। ये बड़ी आपी थी ना, बड़ी आपी को भाई खिला रहा था। और मनाहिल के देखो मुंह कितना इसने गंदा कर दिया, लेकिन मजा बड़ा आया कल जो है ना। छोटा सा हम लोग ने सॉन्ग वगैरह भी चलाए हुए थे, ये था तो सॉन्ग मैंने म्यूट कर दिया, मतलब अच्छा नहीं लगता। भाई का मुंह देखो, भाई ने अपने मुंह पे कितना लगा ली केक जो है ना। और ये बैलून्स वगैरह नहीं, मेरी सिस्टर ने सजाए थे, बड़ा मजा आया। और ये भाभी फिर सबको जो है ना बना के दे रही थी खाने के लिए ना, तो कह लगी मैं सबको निकाल के दे देती हूँ। फिर भाभी ने सबको बना कर दिया। भाई ब्रोस लेकर आया हुआ था ना, ब्रोस और जिंगर वगैरह लाया था, जिसने कल जिंगर तो उनके लिए भाई जिंगर लिया था, और जिसने ब्रोस वगैरह खाने थे उनके लिए ब्रोस भी आया था। और फिर ऐसे ही भाई ने, बड़े वाले भाई ने गाने चलाए हुए थे, हम उसको छेड़ रहे थे ना, हमने बोला भाई तुम अच्छी डीजे नहीं हो, तुम अच्छे गाने नहीं चलाते, गंदे गंदे गाने चलाते हो। और फिर वही सब लोग मजाक मस्ती किया, बड़ा इंजॉय किया ना। और मनाहिल की उसमें कजन वगैरह नहीं थी, यहाँ पर मेरी सिस्टर रहती है आजकल, वो यहाँ नहीं है ना, पंजाब गई हुई है, तो वो होती तो उनके साथ तो मनाहिल बड़ा इंजॉय करती है उन बच्चों के साथ। और मैंने बोला था मनाहिल मजा आ रहा है, तो कह रही हाँ मजा आ रहा है, ये जो इशारा कर रही है ना मजे का कर रही है। कहती मनाहिल मजा आया, तो कहती हाँ मजा आया। तो ये भाभी सबके लिए बना रही थी पेड़ में निकाल के ना, तो बस अपने फिर ये एंजॉय किया हम लोग ने बड़ा। बीबीसी से हम लोग ने ब्रोस मंगवा लिए थे, बीबीसी के मशहूर है, आप लोगों को भी पता है केक जो है भाई जाहिद बेकरी से लिया था ना। तो इस तरीके से पेड़ सबको हमने दिया, हम लोगों ने पेड़ खाया पिया, बड़ा एंजॉय किया, बहुत मजा आया ना। तो
लेकिन ये बच्चों की आपको पता है छोटी छोटी सी हैप्पीनेस होती है। मैंने तो सिंगर खा रही थी, उसने अपने लिए सिंगर मंगवाया था। इसको तो बड़ा मजा था मनाहिल को। और ये मनाहिल के बाबा ने इसको ये हिरन दिए, फिर मनाहिल ने उसके बाद बैलून वगैरह फाड़े के दिए। मैं फाड़ लूँ अपने बैलून? हमने बोला हाँ भाई फाड़ लो आप बैलून। तो फिर मनाहिल बैलून वगैरह फाड़े, बड़ा मजा आया ना। अकेली थी जाहिर से, कजन वगैरह थी नहीं, और ना बच्चे होते हैं तो ज्यादा मजा करती है। हालांकि मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन ये इंजॉय कर रही थी, लेकिन मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मैंने हाँ हाँ बेटा आप फाड़ो ना, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग, और छोटा सा हमने घर पर ही जो है फंक्शन करा मनाहिल का। आई होप कि आपको भी हमारा ब्लॉग देखकर मजा आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, क्योंकि मनाहिल का हाथ नहीं जा रहा था। फिर मम्मा को कहने लगी, अपनी मम्मा मुझे उतार कर दे।